और जो बाकी के क्वेश्चन है हम लोग धीरे धीरे करके कंप्लीट कर दिए जाएंगे। ओके तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 5 and 6 hours रिस्पेक्टिवली, पाइप सी कैन एम्प्टी इट इन 12 hours, इफ ऑल द 3 pipes आर ओपन टुगेदर देन द टैंक विल बी फिल्ड इन। ओके तो पहले तो मुझे ये बताओ, आपको सिस्टर्न एंड पाइप का मतलब पता है क्या? तो सिस्टर्न मतलब क्या होता है? सिस्टर्न मतलब होता है एक टंकी होती है एक पानी की, राइट? तो ये होता है सिस्टर्न। एंड पाइप्स मतलब तो आपको सबको पता ही है या ओके तो यहाँ पे एक पाइप है वो टैंक को फिल कर रहा है। मतलब सपोज अगर मैंने यहाँ पे एक टैंक लिया ऐसे, तो 2 pipes है, पाइप ए सपोज मैं इसको ए और बी बोलती हूँ, सपोज ये ए है और ये बी है। ओके तो अगर अभी ए और बी है तो और एक सी पाइप भी है जो क्या कर रहा है, वो फिल टैंक को एम्प्टी कर रहा है, राइट? ये ए टैंक का ये है 5 hours एंड बी टैंक है 6 hours का, राइट? एंड सी टैंक 12 hours में टैंक को खाली करती है। ओके तो इफ ऑल द 3 pipes आर ओपन, अगर तीनों को ओपन कर दिया, अगर तीनों को ओपन कर दिया तो वो टैंक जो है वो कितने टाइम में फिल करेगा, राइट? तो अभी क्या करना पड़ेगा, जो हमें पता है कि हमारा जो टाइम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमेशा याद रखो, जो टाइम होता है आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, राइट? फिल अ टैंक इन 5 hours, लेकिन 1 घंटे में वो कितना फिल करेगा, 1/5 इन आर आर, करेक्ट? नेक्स्ट, पाइप बी कैन फिल अ टैंक इन 1/6 इन एन आर, 1 घंटे में वो 1/6 फिल करेगा, राइट? अभी पाइप सी जो है वो एम्प्टी करता है, तो पाइप सी कैन एम्प्टी इट इन हाउ मेनी आवर्स, 12 hours, तो 1 घंटे में कितने करेगा वो, 1/12 इन एन आर, राइट? अभी देखो, जब भी फिल वर्ड आता है, फिल वर्ड आता है तभी आपको करना है एडिशन, एंड जब एम्प्टी वर्ड आता है तो आपको करना है सब्ट्रैक्शन। फिल आता है तो एडिशन, एम्प्टी आता है तो सब्ट्रैक्शन। अभी क्या बोला है, ए एंड बी दोनों फिल कर रहे हैं टैंक को, राइट? ए एंड बी दोनों टैंक को फिल कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन दोनों की करनी पड़ेगी एडिशन, मतलब 1/5 + 1/6। और अभी ये जो पाइप सी जो है वो क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है, मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। ओके चलो, 1/5 + 1/6 - 1/12। अभी इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम क्या होगा, 60, इसका एलसीएम होगा 60। तो आपको क्या करना है, 12 5 12 5 = 60, इसलिए 1 × 12 = 12 + अभी 6 10 = 60, तो 1 × 10 = 10 माइनस 12 5 = 60, इसलिए यहाँ पे आएगा 5, या ओके सो 12 + 10 - 5 = 5 और 12 + 5 = 17, सो 17/60 hours। तो 17/60 hours क्या हो गई, ये 1 घंटे में वो 17/60 वो फिल करता है, तो मतलब वो टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा, वे फिर से उसके रेसिप्रोकल करेंगे, टैंक विल बी फिल्ड इन, क्योंकि ये 1 घंटे का है, इन एन आर इतना फिल करेगा वो, राइट? 1 घंटे में वो 17/60 फिल करेगा, तो टैंक विल बी फिल्ड इन 60/17 hours। तो अगर इसको मैं प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूं तो क्या होगा, 17 × 3 = 51 एंड 60 - 51 = 9 3 9/17 hours। तो मतलब टोटल टैंक फिल होने में उसको कितना टाइम लगेगा, 3 hours 9/17 hours, ओके 3 9/17 hours, तो पूरा टैंक फिल करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा,
3 9 by 17 hours. वेरी गुड. तो क्या किया हम लोगों ने, पहले तो दो टैंक दिए थे हमें जो फिल कर रहे थे टैंक को, और एक एक पाइप दिया था जो एम्प्टी कर रहा था. तो हम लोगों ने क्या किया, जो फिल होता है उनको एडिशन करेंगे, जो एम्प्टी करता है उनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो एम्प्टी प्लस सॉरी फिल प्लस एम्प्टी सब्ट्रैक्ट गया, और फिर उनको सॉल्व करेंगे. आपको फ्रैक्शंस की एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं पता ही तो है या, तो वैसे ही किया उसको सॉल्व किया. फिर उसका रेसिप्रोकल करना मत भूलिएगा गाइस, क्योंकि ऑप्शन में आपको वो भी 17 by 60 भी ऑप्शन होगा एंड 3 9 by 17 भी ऑप्शन होगा. लेकिन आपको क्या करना है, जो भी आपका आंसर आएगा उसको रेसिप्रोकल करो, फिर उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा. या आई होप सबको समझ में आ गया कैसे करना है. वेरी गुड. चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं. या सेकेंड क्वेश्चन, तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, A pump can fill a tank with water in 2 1/3 hours. Okay, because of a leak it took to fill the tank, the leak can drain all the water of the tank in. Okay, तो भी क्या करें, इसका क्या हो सकता है आंसर? ओके, ये क्वेश्चन गलत हो गया है. इसका एक्चुअल क्वेश्चन ये था, अ पंप कैन फिल अ टैंक इन 2 आवर्स. ओके, अ पंप कैन फिल अ टैंक विथ वाटर इन 2 आवर्स, बिकॉज ऑफ लीक इट टुक 2 1/3 आवर्स टू फिल द टैंक. ओके, द लीक कैन ड्रेन ऑल द वाटर ऑफ द टैंक इन. तो अभी क्या कर सकते हैं इसका, अभी एक टैंक को फिल करने में लगता है 2 घंटे, एंड बिकॉज ऑफ लीक वो टू, उसको कितना टाइम लग रहा है, 2 1/3, राइट, 2 1/3 टाइम लग रहा है. तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए, हम लोग करेंगे तो कैन फिल इन 2 आवर्स एंड बिकॉज ऑफ लीक इट विल टेक 2 1/3 आवर, करेक्ट. तो 2 आवर मतलब एक घंटे में कितना फिल करेगा वो, 1/2 in an hour, correct? And 2 1/3 को पहले तो हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 3 2 6 + 1 7/3, फिर उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो वो होगा 3/7 in an hour, right? Sorry. तो अभी क्या करेंगे, लीक है मतलब क्या हो गया, वो एम्प्टी कर रहा है, जो लीक होता है वो क्या करता है, एम्प्टी करता है. तो मतलब क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन. तो 1/2 - 3/7, इसको अगर सॉल्व करते तो क्या होगा, 7 1 7, 3 2 6 एंड 7 2 14, तो आंसर आएगा 1/14. तो लीक कैन ड्रेन इट इन 1/14. तो 1/14 आपका आंसर होगा क्या गाइस, 1/14 आपका आंसर होगा, नहीं, हमें याद क्या रखना है, उसको रेसिप्रोकल करना है. तो लीक कैन ड्रेन ऑल वाटर इन 14 आवर्स. क्या किया हम लोगों ने, उसका रेसिप्रोकल कर दिया, उसका रेसिप्रोकल होगा 14/1. तो 14/1 क्या होता है, 14, करेक्ट. तो मतलब उसका आंसर क्या आ गया, 14 आवर में वो जो लीक है वो पूरा पानी निकाल देगा 14 घंटों में. ओके, अंडरस्टूड, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 एंड 30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली, इफ बोथ द पाइप्स आर यूज्ड टुगेदर देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक. ओके, अभी क्या बोला है उन्होंने, एक टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगता है, 20 मिनट्स. ए को लगता है 20 मिनट्स, बी को लगता है 30 मिनट्स. या तो हम लोग क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल करते हैं, तो रेसिप्रोकल होगा 1/20, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/30. ओके, अभी क्या किया है, फिल अ टैंक, फिल मतलब क्या करना है, एडिशन, वेरी गुड. तो 1/20 + 1/30 कितना होगा इसका, ये क्या है,
एलसीएम 60, तो मतलब पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो हम लोग को आएगा 60, तो 5/60। और अगर इसको सिंपलीफाई करते हैं तो 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10, तो आंसर आएगा 1/12। लेकिन 1/12 आंसर है क्या गाइस? नहीं, हमें क्या करना होता है उसका रेसिप्रोकल। सो वो टैंक फिल करने में कितना टाइम लगेगा? टैंक विल फिल इन, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा गाइस 1/12 का? 12 आवर्स। वेरी गुड। सो टैंक विल फिल इन 12 आवर्स। तो आज हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो थे एम्प्टी और फिल के, सिर्फ एम्प्टी और फिल के, जो बहुत इजी क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने लिए हैं। और हम लोग ऐसे हार्ड हार्ड क्वेश्चंस अभी से स्टार्ट करेंगे। तो आज का सिर्फ हमारा पार्ट 1 था। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए प्लीज बने रहिए, और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकॉन बटन भी है वो प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक केयर, बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप स्पैमिंग।